हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ मी शाइनी एंड वेलकम बैक टू येट अनादर व्लॉग. आज है 11th ऑफ रोज़ा और आज का ये पूरा दिन हम लोग रोज़ा रख के क्या क्या करते हैं, इफ्तार किस तरह से करते हैं, सब कुछ मैं शेयर करूँगी इन डिटेल आप लोगों के साथ. एंड मैंने सहरी भी कर लिया था, उस टाइम मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉज सो मच स्लीपी दैट टाइम. सो अभी मैं अपना स्किन केयर रूटीन करूंगी. सो आई थॉट मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि रमजान मंथ के लिए मेरा जो स्पेशल स्किन केयर रूटीन है, क्योंकि इस टाइम मैं सिर्फ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करती हूँ. सबसे पहले कई लोग फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं लेकिन यू ऑल नो माई स्किन इज सो ड्राई, तो मैं सुबह उठकर फेस वॉश नहीं इस्तेमाल करती अनलेस एंड अंटिल मुझे कहीं बाहर जाना पड़े. तो आज मैं नहीं बाहर जा रही हूँ, सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ फेस वॉश. मैं एकदम डायरेक्ट शाम को फेस वॉश इस्तेमाल करूंगी. अभी मैं सिर्फ सिरम को इस्तेमाल करूंगी. सो अभी आप लोग देख लीजिए मैं किस तरह से अपना रमजान स्पेशल स्किन केयर रूटीन करती हूँ. सो गाइस, मेरा स्किन केयर कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारा ईद का शॉपिंग. ईद में ना हम लोग हमारे बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स कर्टेंस वगैरह सब कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बेडशीट्स एंड ऑल हम आज मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं. सो उनमें से जो पहला बेडशीट है ना, दिस इज माई फेवरेट फ्रॉम एंटायर शॉपिंग विच वी हैव डन. तो ये जो बेडशीट है ना, ये एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ एक बेडशीट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो ये आप लोग देख लीजिए, द कलर इज ब्लू. ब्लू ऑलरेडी लुक्स सो रॉयल और इसमें जो ये कारीगरी की गई है ना, ये कलंकारी प्रिंट टाइप्स है और नीचे के पोर्शन में भी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के काफ़ी सुंदर इसमें डिज़ाइन है एंड नीचे इस तरीके के पॉम पॉम फ्लेयर्स भी है. सो इट गिव्स अ वेरी इंडियन टच टू द एंटायर बेडशीट और ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छा लगा. ये हमारे लोकल शॉप से हमने खरीदा है. इसका प्राइस है जस्ट 350 रुपीज़ क्योंकि उस टाइम सेल चल रही थी. नेक्स्ट एक बेडशीट है जिसका प्राइस अगेन 350 है एंड ये बेडशीट आप लोग देख सकते हैं, कलर इज सो प्रिटी, एकदम ब्लश पिंक काइंड ऑफ एक अनकॉमन कलर है और इसमें जो डिज़ाइन है ये ऑल ओवर पूरे बेडशीट के बॉडी पर यही डिज़ाइन है. इसका जो मटेरियल है ना, ये थोड़ा सा हल्का है एज कम्पेयर टू दैट, वो थोड़ा सा थिक मटेरियल का है तो उसका क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये हल्के, इसका क्वालिटी थोड़ा सा लाइट है बट दिस इज ऑल्सो रियली गुड. नेक्स्ट ये जो बेडशीट है ना, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका जो मटेरियल है वो भी अच्छा है. एकदम मॉडर्न स्टाइल बेडशीट है ये वाला और इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, ये 550 रुपीज़ का है बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें एक अलग सा शाइन भी है. तो ये बेडशीट तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. सो ये थे 3 बेडशीट्स जो हमने इस बार ईद के लिए खरीदा है हमारे रूम्स के लिए. और नेक्स्ट ये ड्रेस है जो मैंने खरीदा है. एक्चुअली ये मैंने ईद पर्पज़ के लिए नहीं खरीदा है, जस्ट मुझे एक चाहिए था इस तरीके का एक बॉडीकॉन ड्रेस, तो इसीलिए मैंने ये वाला ड्रेस खरीदा है. ये एकदम सिंपल रिब्ड मटेरियल में है
और इसका जो कलर है वो काफ़ी प्रिटी है। कैमरे में आई डोंट नो ये थोड़ा सा मरूनिश दिख रहा है, बट एक्चुअली इसका जो कलर है वो एकदम वाइन कलर है। ये मेरे नी लेंथ तक आता है, नी के थोड़ा सा नीचे। इसका जो लेंथ है वो काफ़ी डिसेंट है आई वुड से, और एकदम फुल स्लीव्स में है एंड इट हग्स योर बॉडी सो टाइटली। टोक्यो टॉकीज ब्रांड का है ये, बट हाँ इस ये ना उतना ज़्यादा स्ट्रेचबल नहीं है। इसका जो मटीरियल है वो मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा गंजी मटीरियल होगा, बट ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्सड मटीरियल है, विच इज़ अ डिसअपॉइंटिंग पार्ट फ्रॉम अ ब्रांड लाइक टोक्यो टॉकीज। बट मुझे ये तो ओवरऑल अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो साइज़ है वो मैंने इसमें एम मंगाया था, फॉर्चुनेटली मैंने एम मंगाया तो ये मुझे अच्छे से फिट हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं एस मंगाती, विच इज़ माई गारमेंट साइज, तो एस फिट नहीं होता क्योंकि ये उतना स्ट्रेचेबल नहीं है। रमज़ान में हमें दुपट्टों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सो मेरी मम्मा ने ना काफ़ी सारे दुपट्टे खरीदे हैं, लेकिन उनमें से दो ही है अभी मेरे पास, दो ही मैं शेयर कर देती हूँ फिलहाल। तो ये जो दुपट्टा है, लुक एट दिस, दिस इज सो क्यूट। इसका जो कलर है वो एकदम परफेक्ट है फॉर समर सीजन एंड इसमें इस तरीके के फ्लेयर्स भी है। नमाज के लिए इस तरीके के दुपट्टे चाहिए होता है हमें, जो थोड़ा सा विड्थ एंड लेंथ में बड़ा हो। ये दुपट्टा मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं व्हाइट किसी भी आउटफिट के साथ, या फिर ब्लू, यहाँ पर ब्लू कलर भी है, तो ब्लू किसी भी सॉलिड कलर के कुर्ते के साथ इसे मैं पेयर कर सकती हूँ, इट विल लुक अमेजिंग। तो इस तरीके के दुपट्टे ना यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, और वेस्ट बंगाल में तो कॉटन की चीज़ें इतने ज़्यादा फेमस हैं एंड गुड क्वालिटी कॉटन की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है एकदम, और प्योर कॉटन में है ये। नेक्स्ट जो दुपट्टा है वो इस तरीके का क्रीम कलर में है, ये मेरी मम्मी को काफ़ी अच्छा लगा और मम्मी को सूट भी कर रहा था। इसमें जो बॉर्डर डिटेलिंग है ना वो थ्रेड में है, छोटे छोटे इस तरीके के थ्रेड वर्क है ऑल ओवर बॉर्डर में, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये दुपट्टा। और इसका जो मटेरियल है ना वो भी एकदम प्रीमियम एंड गुड क्वालिटी कॉटन मटेरियल है, तो ये भी एकदम समर कलर है। तो ये था मेरा ईद का शॉपिंग, तो आई होप आप सबको मेरा ईद शॉपिंग अच्छा लगा। सो फाइनली आई हैव टेकन शावर, और अभी मुझे बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतना ज़्यादा धूप है ना, और अभी ना स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सीरम अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना वेदर इतना ज़्यादा ड्राइंग है। मैं हमेशा इस सीरम को अप्लाई करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ रियली अफोर्डेबल, सेकेंडली ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, स्किन को एकदम मॉइस्चराइज्ड रखता है। मैं ना जनरली ट्राई करती हूँ इसमें पैट करूँ इस तरीके से। सो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और अभी हम लोग इफ्तार की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना फेस वॉश करूंगी, सबसे पहले यूजिंग दिस ज़ैनन माइज़ा विटामिन सी फेस क्लेंजर। और हाँ, किस किस को ये बैकग्राउंड याद है, अगर आप मेरे ओजी फॉलोअर है तो आपको पता है कि जब मैं इनिशियल डेज में अपना वीडियो शूट करती थी तो मैं यहीं पर बैठ कर वीडियो शूट करती थी। तो अगर आपको याद है तो आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। तो वो एक अलग सी जर्नी है, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो में मेरा जो यूट्यूब जर्नी है, मैंने किस तरीके से एक छोटे से फ़ोन से, इनफैक्ट एक नॉर्मल फ़ोन से अपना जो यूट्यूब चैनल है वो बनाया था, और उससे मैं वीडियोस भी शूट करती थी, एडिट भी करती थी और उसमें शेयर भी करती थी। इनफैक्ट वो फ़ोन आज भी मेरे पास है। सो फेस वॉश मैंने कर लिया है, एंड जस्ट लुक एट माई फेस, इट इज़ क्विकी क्लीन। सी, बहुत ही ज़्यादा फेस को एकदम क्लियर एंड क्लीन बना देता है। अभी ज़्यादा टाइम इफ्तारी में बाकी नहीं है, सो लेट मी क्विकली गेट रेडी। और मैं सोच रही हूँ कि ये दुपट्टा मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे ना इसमें थोड़ा भीग गया जब मैं फेस वॉश कर रही थी तब, और मुझे वुज़ू भी करनी है। तो अभी बज रहे हैं 5:06, और मैंने वुज़ू भी कर लिया है। आज मेरा जो तबीयत है वो काफ़ी मुझे ख़राब लग रहा है, थोड़ा सा टायर्ड मैं फील कर रही हूँ। सो मुझे लगा थोड़ा सा अगर मैं रेडी हो जाऊँगी ना तो आई विल फील बेटर।
सीरम मैंने अप्लाई कर लिया है। आज इफ्तारी में मैंने कहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं रखने के लिए, क्योंकि तुरंत इफ्तार के बाद मैं डिनर कर लूँगी, तो मुझे डिनर में कुछ अच्छा सा खाना था, तो इसीलिए इफ्तार में आज मैंने कहा कि सिर्फ फ्रूट्स एंड खजूर, ये सब थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए। सो अभी एक घंटा तो बाकी है टाइम, इसीलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। दिस इज़ द लिप शेड जिसे मैं एज अ आई शेडो अप्लाई करूँगी, ये है एप्रिकॉट ब्लश एंड दिस इज माई फेवरेट शेड फ्रॉम जैन एंड माइजा लिपस्टिक कलेक्शन। तो मैं इसे शैडो भी अप्लाई किया है, ब्लश भी काफ़ी खूबसूरत है, नेचुरल दिख रहा है एंड उसके साथ लिप शेड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई एम इफ्तार रेडी मेड, सो दिस इज माई लुक। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैंने आज चावल के आटे की जो रोटी है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ मैंने खाया है मटन और यही मेरा डिनर था। रात को अगर भूख लगी तो मैं शायद एक रोटी और खा लूँगी, अदरवाइज अभी मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, सो इसीलिए मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। सो या स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी, बाय।